टाइम 8:20 हो रहा है और अपन अभी आए हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल। अभी थोड़ा नहाने के लिए साबुन वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद वाटरफॉल की ओर चलेंगे। अगर आप तीरथगढ़ वाटरफॉल आते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। का झलक देखने को मिल रहा है, अब नीचे जाके देखते हैं कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। नीचे से काफी ऊंचा जगह है यहाँ। अपने को जाना है नीचे, वहां पे हमने वीडियो या फोटो में देखा है उससे काफी ज्यादा सुंदर है ये जगह। वीडियो में उतना जस्टिफाई नहीं हो पाता जितना कि अपनी आंखों से देखने से पता चलता है कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ के लोकल लोग इस तरह के पत्थर का यूज करते हैं अपने छत बनाने में और वॉल बनाने के लिए, दीवार वगैरह। पिकनिक मनाना मना है लेकिन फिर भी लोग इतना गंदगी करके जाते हैं। ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ पे, लोग पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और कुछ कुछ फेंक के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ के जो भी आप सामान लेके जाते हैं इसको जिम्मेदारी के साथ उठा के फेंक देना चाहिए। झरने के करीब पहुँच गए, अब नीचे चलते हैं ताकि नहाने लायक कुछ जगह मिल जाए। अपने को नहा धोवा के फोटोशूट भी कराना है और वीडियो वगैरह भी बनेगा, तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लेना, वहाँ जाके आपको रील और यहाँ का फोटो देखने को मिलेगा। लाइन में चेंजेस हो गया है, हम लोग और नीचे जा रहे हैं, सीढ़ी से होते हुए और नीचे जाना पड़ेगा। नीचे तो चले जाएंगे लेकिन वापस आना मुश्किल हो जाएगा, आते आते सांस फूल जाएगा, थक भी जाएंगे। पता नहीं कितना नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा खाई है यहाँ पे और सीढ़ी भी काफ़ी एकदम नीचा गया है। उतर तो जाएंगे लेकिन चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे बंदर हैं, तो यहाँ आए तो आप सावधान रहें, नहीं तो आपका कपड़ा लेके या बैग लेके भाग सकते हैं। यहाँ के ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या सूट करूँ, क्या 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 नहीं। हर जगह ब्यूटी है, किस किस कोने का सूट करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। हर जगह सूट करने लायक है, तो हो सके तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। इतना नीचे जाते जा रहे हैं उतना वाटरफॉल मिलते जा रहा है और ब्यूटी और बढ़ते जा रहा है, और ऊँची ऊँची खाई दिखाई दे रही है। जहाँ जाओ वहाँ वाटरफॉल दिख रहा है। यहाँ पे ये आज तक का सबसे बेस्ट वाटरफॉल लगा है। नीचे जाओ तो और वाटरफॉल मिलता है, उसके नीचे जाओ तो और वाटरफॉल मिलता है। ये आप मेरे सामने ऊपर देख सकते हैं कितना बड़ा चट्टान है, पत्थर है जो मेरी तरफ भी झुका हुआ है। इसके ऊपर एक है, ये सेकंड नंबर का, ये तीसरा बोल सकते हैं। इसके नीचे और होगा, क्या पता इसके नीचे और जाएंगे तो
और भी मिल सकता है। समझ नहीं आ रहा कितने वाटरफॉल है ये, इसको एक मानू या पांच मानू समझ नहीं आ रहा। वीडियो वगैरह काफ़ी शूट हो गया है, तो अब इसके बाद अपने को दंतेश्वरी मंदिर भी जाना है, तो इससे पहले अपन नहाएंगे उसके बाद ही जाएंगे, तो फिर यहाँ नहाते नहाते इन्जॉय भी कर, वीडियो भी मिलते रहेगा अभी इन्जॉय करते हुए। तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव जिनको भी चाहे, और सब्सक्राइब बटन तो दबा ही देना, रेड को ग्रे कर देना और लाइक बटन को ब्लू कर देना। मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग यहाँ पे ऊपर भी नहा सकते थे, मगर ये सबसे बेस्ट लोकेशन लगा, और यहाँ पे पब्लिक भी अभी नहीं आती है, और अभी सुबह का टाइम है, 9:00 अभी 10 मिनट ही हो रहा है, तो अभी पब्लिक यहाँ पे भी आती है बट लेट में आती है। सुबह का टाइम है तो यहाँ पे खाली है, तो यहीं पे नहा रहे हैं। बाकी ऊपर भी अच्छा है, मेन वाटरफॉल है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, वहाँ भी मज़ा आता मगर यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। डायरेक्ट गिर रहा है पानी नीचे, और काफ़ी बना लिया वीडियो झरने की, कम से कम नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं पानी का छींटा ज़्यादा मत पड़े, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। बाकी दिखाता हूँ आपको पास से। तो अभी देख सकते हैं आप, मैं झरने के नीचे ही आ गया हूँ, यहाँ से छींटे वगैरह पड़ रहे हैं, यहाँ नहाने में कितना मज़ा आएगा सोच सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा पानी होगा, ऊपर से बहुत ऊपर से गिरा पानी गिर रहा है। झलक शर्फी शिवली नैना मदक बर्फी, आके एंजॉय कर लिए, नहा लिए, अब ऊपर चढ़ने में हालत खराब हो गए, काफी ऊपर जाना है, बहुत ही ज्यादा तीखा चढ़ाना है, सीधा सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी कम है लेकिन चाई ज्यादा है सीढ़ी की, डायरेक्ट सीधा ऊपर जाना होता है। आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे अपन गए हुए थे नीचे, और थोड़ा आगे वहाँ से नहा के आ रहे हैं ऊपर चढ़ के, ऊपर चढ़ गए हैं लगभग, फिर नीचे आना पड़ गया, इस टावेल के चक्कर में यहाँ पे भूल आया था मैं, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, टॉवल के चक्कर में डबल मेहनत हो गया। ऊपर जाके मिलते हैं डायरेक्ट।